हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जानकारी वाली वीडियो में। तो आज की इस ट्रेन के वीडियो के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भैया इंदौर से कुचवेली के लिए कोई ट्रेन है तो उसको वीडियो बनाओ। तो दोस्त आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं, आपके लिए और अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं। वैसे तो इंदौर से कुचवेली तक दो ट्रेनें चलती हैं अलग अलग दिनों में, लेकिन दोनों में से मैंने दोनों को कंपेयर किया है, जो ट्रेन बेहतर निकल के आई है उसका मैंने वीडियो बनाया है। और ये क्यों मैं बेहतर बता रहा हूँ आपको आगे वीडियो में सब पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिए। तो आज की जो ट्रेन है उसका ट्रेन नंबर है 20932 इंदौर कुचवेली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर जंक्शन से केरला राज्य के कुचवेली रेलवे स्टेशन तक चलती है। इंदौर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है INDB और कुचवेली का स्टेशन कोड है KCVL। ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है, जैसे कि इस ट्रेन का नाम है वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। हर मंगलवार को ये ट्रेन इंदौर जंक्शन से रवाना होती है और हर शुक्रवार को ये ट्रेन कुचवेली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन का इनॉगरल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था मंगलवार 28 जून 2016 को, और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही है। तो आज की वीडियो में इस ट्रेन के बारे में आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ट्रेन का रूट, स्टॉप, टाइम टेबल, कोच, किराया, लोकोमोटिव, इन जैसे तमाम जानकारी आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा किसी और ट्रेन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस ट्रेन का नंबर नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। इंदौर से कुचवेली तक के 2246 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 41 घंटे 10 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 30 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए कुचवेली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो कि नागदा जंक्शन से विरार जंक्शन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रहती है। और दोस्तों जो मैं दूसरी ट्रेन की बात कर रहा था जो इंदौर से कुचवेली के बीच चलती है, वो ट्रेन है अहिल्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो ट्रेन इस सेम दूरी को इंदौर से कुचवेली को कनेक्टिविटी देने में 45 घंटे से 46 घंटे का समय लेती है, और उस ट्रेन के स्टॉपेजेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इस ट्रेन का वीडियो बनाना बेहतर समझा। दोस्तों ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाएंगी। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 4 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 8 कोच रहता है, थर्ड AC इकोनॉमी का 1 कोच रहता है, नॉर्मल थर्ड AC का 5 कोच रहता है और सेकेंड AC का 2 कोच रहता है इस ट्रेन में। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान इंदौर से कुचवेली तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। दोस्तों जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवे द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है, और ये किराया इंदौर से कुचवेली तक का पूरा कम्प्लीट किराया होगा। जनरल क्लास की बात करते हैं, इसका बेस पे रहता है 470 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपए, सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपए। इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है 500 रुपए। स्लीपर क्लास का बेस पे रहता है 845 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपए। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 895 रुपए। थर्ड AC इकोनॉमी का बेस पे रहता है 2019 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 106 रुपए। इन सबको ऐड करके थर्ड AC इकोनॉमी का टोटल किराया हो जाता है 2210 रुपए। नॉर्मल थर्ड AC का बेस पे रहता है 2119 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 111 रुपए। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 2315 रुपए। सेकेंड AC का बेस पे रहता है 3114 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 161 रुपए। इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया हो जाता है 3370 रुपए। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया सब ने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो रिजर्वेशन काउंटर पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि इस ट्रेन का किराया क्या रहता है, क्योंकि इंडियन रेलवे अपने किराए में समय समय पे बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन इंदौर से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर लग जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है रात के 9:40 का।
टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ट्रेन का पहला स्टॉप है देवास जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 10:12 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 10:14 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है उज्जैन जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 11:05 पर नंबर 6 पर पहुँचती है और 11:10 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। तीसरा स्टॉप है नागदा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:05 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 12:07 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है रतलाम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:45 पर नंबर 4 पर पहुँचती है और 12:50 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है दाहोद। यहाँ पर ट्रेन रात के 2:14 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 2:16 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है वडोदरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:58 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 5:08 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। सातवां स्टॉप है सूरत। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:57 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 7:02 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। आठवां स्टॉप है वापी। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:17 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 8:19 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है बोईसर। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:06 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 9:08 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है वसई रोड। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:00 पर नंबर 7 पर पहुँचती है और 10:05 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। ग्यारहवां स्टॉप है पनवेल। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:25 पर नंबर 7 पर पहुँचती है और 11:30 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। बारहवां स्टॉप है चिपलुन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 2:28 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 2:30 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। तेरहवां स्टॉप है रत्नागिरी। यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:00 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 4:05 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। चौदहवां स्टॉप है कुडल। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:40 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 6:42 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। पंद्रहवां स्टॉप है थिवीम। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:28 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 7:34 में ऐसे रवाना और 7:30 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सोलहवां स्टॉप है मडगांव जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 9:15 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 9:25 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। सत्रहवां स्टॉप है करवार। यहाँ पर ट्रेन रात के 10:20 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 10:22 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। अठारहवां स्टॉप है उडुपी। यहाँ पर ट्रेन रात के 1:10 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 1:12 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 19वां स्टॉप है मैंगलुरु जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:05 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 3:10 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 20वां स्टॉप है कासारगोड। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:49 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 3:50 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है। 21वां स्टॉप है कन्नूर। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:57 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 5:00 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। 22वां स्टॉप है कोझिकोड मेन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:15 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 6:20 में ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 23वां स्टॉप है सोरानूर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:55 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 8:00 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 24वां स्टॉप है थ्रिसूर। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:02 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 9:05 ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। 25वां स्टॉप है अलुआ। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:55 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 9:57 ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 26वां स्टॉप है एर्नाकुलम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:25 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 10:30 ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 27वां स्टॉप है अलापुजा। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:27 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 11:30 ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। 28वां स्टॉप है कायमकुलम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:10 पर नंबर 3 पर पहुँचती है और 12:12 ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 29वां स्टॉप है कोल्लम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:57 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 1:00 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। 30वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है कोचुवेली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन आपको दोपहर के 2:50 पर नंबर 1 पर पहुँचा देती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।